ऊपर से छप्पर बनाते हैं, छप्पर बनाएंगे इसके बाद ऊपर से पुआ झाँपेंगे, उसके बाद यहाँ पर पुआ लगाएंगे, इसके बाद चरनी जो बालक मिर्ची का जो था गाय रहेगा, गाय रहेगा, बकरी रहेगा, भेड़ सारा सब रहेंगे और बीच में जो प्रभु यीशु माता मरियम और यूसुफ रहेंगे। तो इसमें यहाँ पर फादर ये बताएंगे कि आप 25 तारीख के लिए जो तैयारी होती है यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए, उसमें आप लोग क्या क्या तैयारी किए हैं और किस प्रकार कर रहे हैं? अभी हम लोग उसके लिए क्रिसमस की तैयारी के लिए चरनी बना रहे हैं, जिसको जहाँ पर प्रभु यीशु जन्म लिए थे, छोटा सा जो गाय गौशाला में जन्म लिए थे, तो उसी का छोटा सा झांकी बनाते हैं जिसमें प्रभु यीशु का जन्म, उसमें आपका किस चीज़ से बनाया जाता है उसको? उसको तो आप जैसे जगह जगह पर विशेष जो होते हैं, जैसे जैसे जगह पर है लकड़ी का बनाया जाता है, जहाँ पर जब बांस मिलता है तो बांस का उसका छप्पर बनाया, मैंने पुअल का बांस का लकड़ी लगा करके बांस का पुअल का पुअल लगाते हैं छप्पर के लिए, ऊपर से पूरा डेकोरेट करके उसको बनाया जाता है। उसको डेकोरेट इसके बाद में उसको कब मनाया जाएगा आपको? 25 तारीख को? ये 25 तारीख को, 24 तारीख रात को। 24 तारीख रात, 24 तारीख रात को मनाया जाएगा। कितने देर का कार्यक्रम होगा ये आपका? 24 तारीख रात को करीब 10:30 बजे से हम लोग का, मैंने 12 बजे तक, 12:30 बजे। इसमें विशेष तौर से क्या क्या करेंगे आप लोग? इसमें हम लोग जो चरनी बनाते हैं तो वहाँ पर चरनी बनाते हैं, चरनी बनाने के बाद वहाँ पर हम लोग उसमें मोमबत्ती कैंडल वगैरह जलाते हैं, इसके बाद वहाँ पर जो कुछ अपना विनती प्रार्थना करते हैं और साथ में जो साथ साथ में हम लोग का मिशा बलिदान होता है, पूजा होता है, उसको हम लोग करते हैं उसके साथ साथ ही।